आरके जेड में आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए सीरीज लगातार लेकर आ रहे हैं। आप लोग सभी लोग घर पर बैठे हैं और लॉकडाउन के दौरान हमने सोचा कि आपके लिए क्यों ना उन लोगों को लेकर आएं, अपने दोस्तों को, अपने आरके जेड थिएटर ग्रुप की टीम को लेकर आएं। और जो लोग स्पेशली अपने काम में हैं, चाहे वो कास्टिंग से रिलेटेड हो या मेकअप से रिलेटेड हो, कॉस्ट्यूम से, एक्टिंग से हो, उन सभी को लेकर हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, किस तरह से वो फील्ड में काम करते हैं। और ये सीरीज़ जो है मंडी हाउस स्ट्रगलर्स एक्टिंग अड्डा सीरीज़ है ये। और आज हमारे साथ जो है हमारे दोस्त हैं, बहुत दिल को छू देने वाले अजीज़ दोस्त गौतम है हमारे साथ और अमित आर्या हैं। और शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ जो है, हमने हेलो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एक तो अमित जो हैं हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मतलब बेस्ट फ्रेंड हैं, और दूसरी तरफ ये एक अच्छे एक्टर हैं और उसके साथ ही साथ ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो मेरे को लगता है गौतम ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो गौतम से शुरू करते हैं। गौतम कुछ सवाल पूछेंगे पहला? मेरा पहला सवाल यही है कि अमित कहाँ से बिलोंग करते हैं? और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। वैसे रहता हूँ मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। दिल्ली में नेशनल बाल भवन में। हाँ जी अमित जी, मुझे ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट, जब से मैं आपको जानता हूँ, जब से मैं मेरी ये इंटरेस्ट कैसे आया आपका ड्रामा में आने के लिए कि हाँ मुझे ड्रामा करना है, और फिर आप और भी एक्टिविटीज करते थे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं बालवन में रहता हूँ और वहाँ पर ना बहुत मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे सिंगिंग, ड्रामा, पेंटिंग, स्पोर्ट्स का, बहुत सारी चीजें आती है जो नेशनल बालवन में बच्चों के लिए कराई जाती है। वो 5 से 16 साल तक के बच्चे वहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है वहाँ करने के लिए। तो मेरे फादर यहाँ पर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो उनके यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ है, तो उस जरिए से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसलिए एक बार क्या हुआ, यहाँ पर एक मेखला शाह ऑडिटोरियम है, तो मैं ऐसे ही घूमते फिरते चले गया, वहाँ एक शो चल रहा था। अच्छा। मैं गया, मैंने कहा देखा, मैंने कहा यार नाटक हो रहा है, चलो देखते हैं कैसा होता है नाटक। हमने कभी क्योंकि देखा ही नहीं, हम बैठ गए ऐसे देखने के लिए। तो एक नाटक था, उसका नाम था टुइया। तो उसमें छोटा सा बच्चा था, कम से कम होगा 4-5 साल का बच्चा था वो। तो उसकी एक्टिंग देख के इतना अच्छा लगा मेरे को, मैंने कहा यार इतना छोटा बच्चा ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करें करने के लिए। ट्राई करने में तो कुछ जाता तो है नहीं, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो हमारे यहाँ पर नेशनल बाल भवन में 2007 में निशा त्रिवेदी जी, जो हमारी गुरु जी है एक्टिंग टीचर, उनके साथ उनके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं कम से कम 8 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए होंगे मेरे को, तब से मतलब छोटा ही था मैं उस टाइम। बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस मैडम के साथ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि अमित को मैं भी जानता हूँ, गौतम भी उतना ही जानते हैं, तो अभी फिलहाल जो है एक्टिंग छोड़कर मेकअप में आने का क्या मतलब, थोड़ा रीज़न कुछ है क्या? हाँ, इसका भी रीज़न है, बहुत तगड़ा रीज़न है। ये ऐसा हुआ मेरे को स्टार्टिंग से ही ना पेंटिंग करने का बहुत शौक था। मैं पेंटिंग बहुत करता था, स्केचिंग करता था, वाटर कलर वाली पेंटिंग करता था। तो वही पेंटिंग मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं मेकअप भी मतलब करूंगा, एक्टिंग के साथ साथ मेकअप में भी आ गया मैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था मैं कि मैं मतलब मेकअप भी कर पाऊंगा। तो मैं पेंटिंग में बहुत अच्छा हाथ था मेरा, तो धीरे धीरे करते करते बब्बू खान जी है हमारे, वो गुरु जी है मेकअप आर्टिस्ट, तो उनके साथ जुड़ा। पहले मैं रामलीला करता था चरकपुरी में, तो उनके जरिए ही वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई मेरी बब्बू खान जी से। मैंने कहा भैया मेरे को भी सीखना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब देखता हूँ ना इतने सुंदर सुंदर मेकअप होते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसा मतलब करूँ। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आइए आइए, कोई
वहां पर कोई सीखने की फीस भी नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता सब कुछ। उन्होंने बोला आइए हम सिखाएंगे आपको। तो धीरे धीरे उनके साथ भी करते करते मैंने 6 साल मैंने उनके साथ लगातार काम करा है, तो अब फिलहाल ठीक ठाक कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये क्या कहते हैं, जैसे मेकअप आपने सीखा है, तो मेकअप की कितनी भूमिका रहती है एक एक्टर के लिए या एक कैरेक्टर के लिए, कितनी अहम भूमिका होती है इसकी? ये एक्टर के लिए अगर अब जो भी मूवीज ले लो, कोई भी ले लो, वेब सीरीज ले लो, शादी पार्टी सब वगैरह जितनी भी होता है, बिना मेकअप के तो कोई होता नहीं है काम। हर चीज में मेकअप का बहुत भूमिका अहम रहती है। तो क्या कहते हैं, बेसिक मेकअप क्या होता है कि अगर कोई अपने घर पे नॉर्मली शूट करना चाहे, या फिर नॉर्मली जैसा आजकल डिजिटल का दौर है, और ऐसे में लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे बिना मेकअप के ही मतलब कैमरे के सामने आते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो एक बेसिक बेसिक अगर मेकअप करना चाहें वो सिंपल सा, तो किस तरह से कर सकते हैं? थोड़ी आवाज 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 कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग घर पर रहकर बेसिक मेकअप कैसे कर सकते हैं, मतलब ताकि उनका चेहरा जो है काफ़ी लुक अच्छा लगे, क्योंकि पता है कि कैमरे के सामने अगर आपको आना है तो आपका लुक थोड़ा अच्छा होना चाहिए दिखने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना चाहिए बिल्कुल। अब जैसे आप रिपोर्टर हैं, आपके आपका भी मेकअप होता होगा जब आप स्क्रीन पे करते होंगे, न्यूज पढ़ते हैं, आपके भी होते ही होंगे, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो बेसिक मेकअप ये है कि थिएटर का मेकअप अलग होता है और मीडिया का मेकअप अलग होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नॉर्मल मेकअप होता है, उनमें बेसिक मेकअप होता है, कुछ ज्यादा वो नहीं। अच्छा, लेकिन थिएटर में बहुत सारे मेकअप ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग वाले भी होते हैं, कि आपको वही कैरेक्टर देना है, उसके अलावा इधर उधर कुछ भी नहीं होना है। वो मेकअप का बहुत वो क्या कहते हैं उनको, बहुत ही महत्व है मेकअप का। जैसे कि अमित, तुम पहले म्यूजिक भी करते थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते थे बहुत अच्छा था, और मैंने देखा है कि जब हाँ। बालवन में आया था तुम स्केचिंग भी करते थे, इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते थे। मैं तुम्हें देख के थोड़ा बहुत कॉम्बो बजाना सीखा था, मुझे आज भी याद है, आज भूल चुका हूँ दोबारा से। तो ध्यान कह रहा हूँ, और भी चीजों में तुम्हारा ध्यान बहुत था, जैसे साइट में, साइट डिजाइनिंग में भी सारी चीजों के लिए। तो कैसे तुमने कैसे अपने आप को डिसाइड किया कि मुझे जाना है, तुमने मेकअप की तरफ ही मेरा टारगेट होना, मैं मेकअप की तरफ जा रहा हूँ? क्योंकि तुम आर्टिस्ट भी अच्छे थे, साइट भी डिजाइन करते थे, गाना भी गाते थे और म्यूजिक भी करते थे, मतलब टैलेंटेड होने के बाद एक डिसीजन लेना होता है कि मेरी पकड़ इसमें, मैं स्ट्रांगली इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं इसको प्रोफेशन बहुत अच्छा बना। तो तुमने कैसे इन सबको डिसीजन लिया? और देखिए, शौक तो बहुत बड़ी चीज होती है, और सीखना तो कभी कम ही कभी खत्म ही नहीं होता है जहाँ तक मेरे को पता है। जैसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, वैसे सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। और मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग के साथ साथ मैं ना बहुत ऑब्जर्व करता था लोगों को कि यार ये कर सकते हैं, मतलब ये मैंने एक बंदे को देखा था, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो तबला भी बजाता है, गाना भी गाता है, पेंटिंग भी करता है, मतलब बहुत सारी चीजें वो करता है, एक अकेला बंदा। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा यार ये एक बंदा अगर इतनी सारी चीजें कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में, कि मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, या कोई कैसे गा रहा है, कोई बजा रहा है, उनको देखता हूँ गौर से, ताकि मैं भी सीख पाऊँ। इस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है। डिसीजन कैसे लिया कि मुझे अब एक्टिंग छोड़ के, या एक्टिंग भी करनी है लेकिन मेकअप में ही अब अपना आगे रास्ता बनाना है, तो ऐसा क्यों फैसला लिया गया? इसका थोड़ा अलग रीजन है मेरा। वो ये रीजन है कि हम एक एक महीना, दो दो डेढ़ डेढ़ महीना काम करते हैं, रिहर्सल करते हैं और इतना टाइम देते हैं, लेकिन थिएटर में इतना पैसा नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है कि थिएटर में पैसा कम है, ऐसा है नहीं, इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेकअप एक ही दिन में जाना है, शो करना है,
उसी दिन पैसे मिल जाने या एक दो दिन बाद मिल जाने, लेकिन अच्छे खासे मिल जाने, इतना पता है। थोड़ी पैसे को लेकर भी और इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मेरा ज्यादातर मेकअप में ही रहा है, एक्टिंग के साथ, एक्टिंग के, लेकिन एक्टिंग के साथ तो मेरे को मेकअप में ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा थोड़ा मतलब थिएटर के अंदर जो मेकअप होता है वो किस तरह से मतलब किया जाता है? मैं मतलब मैं कैमरे के मेकअप के बारे में नहीं, सिर्फ थिएटर में जो मेकअप होता है किस, हाँ किस तरह से होता है? किस तरह से मतलब समझा नहीं, मतलब जैसे कि अगर पूरा थ्योरी बतानी है, करेक्टर वाइज बच्चे हो और आपको मेकअप करना है तो बेसिक चीजें क्या है, हाँ करेक्टर वाइज या फिर क्या है वो है कि जैसे कि मैंने मेरे को जो मेरे को अंदाजा है कि नंबरों के हिसाब से होता है कि चेहरे का रंग रूप को देख के थोड़ा सा हिसाब अच्छा लगाते हैं। हाँ उसके बारे में डिटेल में अगर आप वो इसी हाँ थिएटर का मेकअप बहुत जैसे सबकी स्किन अलग अलग कलर की होती है तो उस अलग अलग कलर में नंबर्स होते हैं हमारे पास, पैंकेस जो होते हैं उनके नंबर होते हैं कि अगर जैसे मेरा कलर है, मेरा कलर थोड़ा सांवला है तो अभी इसमें गोरा लग रहा हूँ इसमें वो अलग बात है, लेकिन मेरा कलर सांवला है तो मेरे कलर के हिसाब से मेरे फेस पे जो यूज होगा वो 25 नंबर ऐसे नंबर होते हैं वो यूज होता है। स्किन टोन के हिसाब से ज्यादा होता है। अच्छा स्किन के हिसाब से जो है किसी को जैसे बूढ़े का कैरेक्टर देना है तो हाँ जैसे बूढ़े का कैरेक्टर देना है हमें किसी को, तो अब बूढ़े के कैरेक्टर के लिए हमें क्या 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 चाहिए होगा, डार्क सर्कल लाइन चाहिए होंगी, झुर्रियां बनानी होंगी और दाढ़ी मूछे चाहिए, वो दाढ़ी मूछ हम क्रेप होती है एक जो छोटी छोटी से बंदी होती है ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की, हर कलर की क्रेप्स होती है तो उसको बहुत बारीकी से हमें फेंटना होता है, फेंटने के बाद गम लगाई, गम के ऊपर क्रेप लगाई, उसको कटिंग करी, मूछों की शेप दी, दाढ़ी की शेप दी, आईब्रो जो भी होता है मतलब विग वगैरह सब होता है। और एक वो भी तो आता है नेट वाली मूछें और दाढ़ी आती है तो हाँ वो मीडिया तो वो नेट वाली जो जो नेट वाली जो होती है वो ज्यादातर मीडिया में यूज होती है, मूवीज में ये आपका सीरियल में, जीरो नेट वाली बोलते हैं उनको जिससे पता नहीं लगता बिल्कुल भी कि आपने विग लगाई है भी या नहीं। अच्छा जैसे कि मुझे अगर घर पे मुझे अपना मेकअप करना है किसी चीज के लिए, रिकॉर्ड करना है या कुछ भी करना है सिंपल, अगर मुझे तुम्हें कि मैं किस चीज कर सकता हूँ, जैसे मेरे घर पे अगर आप मुझे आइडिया दें कि किसी भी कोई चीज मैं कर लूँ, मतलब बाल सफेद करने हैं, दाढ़ी मूछें सफेद करनी है, थोड़ा डार्क रोशनी कराना है, तो मैं थोड़ा सा मेकअप करके या वो करना है, तो कैसे कर सकते? एक तरह से होममेड चीजों से मतलब होममेड जो घर पे रखी हो चीजें हो, क्योंकि आजकल होममेड का तो चलो होममेड तो ये होता है कि आजकल कुछ लोगों के घर में भी मतलब सामान छुटपुट तो होता ही है, जैसे पब हो गया, जैसे घर में लेडीज सामान भी होता है तो आजकल उसमें भी किट आती हैं, तो उसमें भी क्या मतलब उससे के जरिए भी किया जा सकता है क्या? हाँ उसके उसके लिए अगर आपको अगर घर में करना है तो जैसे हमारे पास पाउडर होते हैं, हाँ सिंथोल वाले हो गए, कोई भी पाउडर ले लीजिए आप, अगर आपको बाल सफेद करने हैं तो बाल तो उसमें भी कर सकते हैं आप, लगा सकते हैं, लेकिन एक लगाने का भी एक तरीका होता है, आप ब्रश से लगाइए, टूथब्रश जो होता है टूथब्रश लीजिए, हल्का सा थोड़ा उसको गीला कीजिए, अगर व्हाइट बाल आपको करने हैं थोड़ा सा पाउडर में गीला कीजिए ब्रश को और ऐसे लाइनिंग से ऐसे ऐसे लगाइए आप, तो आप व्हाइट बाल आपके आराम से हो सकते हैं उसमें। बेसिक मेकअप का क्या है, आप बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, लैक्मे के मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वो भी आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं वहां से, ठीक ठीक ज्यादा यूज नहीं करना होता एक दो। और ये कि अगर मुझे कहीं किसी को सीखना हो थिएटर का मेकअप या कहीं से ट्रेनिंग लेनी हो इसके बारे में या कहीं से कुछ पता लग सके, जैसे कि किसके पास दिल्ली में या दिल्ली मुंबई में कहीं पे भी हो जहाँ हम जाके सीख सकते, कहाँ होता है प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिल जाए और नहीं तो प्रोफेशनल कोर्स हो जाए, नहीं आपको पता हो?
देखिए मेकअप के तो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे खुल गए हैं आजकल, बहुत ग्रुप खुल रखे हैं। VLCC भी खुल रखा है और श्वेता गौर जी का एक ग्रुप है, वो भी चलाती है अपना। और मतलब ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो मेकअप सिखाते, सर्टिफिकेट देते हैं, आपको डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है। अब दिल्ली मुंबई मतलब बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं उनकी, कहीं पर भी जाके आप दे सकते हैं। अच्छा लेकिन उनके पास थिएटर का ज्यादा वो नहीं रहता है मेकअप का, अच्छा उनके पास अच्छा जैसे ब्राइडल ब्राइड हो गए, ब्राइडल मेकअप हो गए, पार्टी मेकअप हो गए, इस तरीके के ज्यादा वो रहता है। अच्छा अगर जैसे किसी को अगर सामान आजकल खरीदना तो मैं हो। कभी कभार जब मेरा मन करता है मेकअप का देखने का, कभी कभार जब मेरा मन करता है मेकअप देखने का कि यार कुछ देखा जाए, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ। अनुराग मेकअप मंत्रा है, अनुराग जी है ना, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है वो, तो उनको देख के भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा करते हैं वो तो और उनके भी ग्रुप आप चलते एक हैं। चीज मैंने भी सुना है कि आपका भी कोई पेज है, आप भी अपना कुछ काम काम जो भी आप करते हैं आप डालते हो अपने पेज को, पेज पे डालते हैं। हाँ हम जैसे कभी हमारे ज्यादातर काम रहता है फ्रीलांसिंग का, जैसे हाँ स्कूलों में हो गया या फिर कहीं हमें जैसे बुकिंग होती है, बुकिंग बुकिंग हुई, हमें बुलाया गया, हम जाते हैं अपना काम करते हैं। तो हम जो काम करते हैं उनकी ना हम फोटोग्राफ ले लेते हैं, ताकि हम अपने काम को भी थोड़ा प्रमोट करना चाहिए थोड़ा ना अपने काम प्रमोट को करें भी, दिखाएं, सही इसलिए हम बात है। फोटो वगैरह ले लेते हैं। और मेरा पेज है अमित आर्य के नाम से फेसबुक पे, उसमें मैं सारी फोटोज डालता हूँ, जितने भी मैं काम करता हूँ अपने, हमारे जो ग्रुप है बब्बू खान जी का, हम सारे लोग मिलके ऐसे मतलब फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं अपने काम फोटोज। अच्छा अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली में कहाँ से अगर कोई ले सकता है क्या, अगर कोई दिल्ली में अगर मेकअप का सामान लेना चाहे, मतलब जो भी थिएटर के लिए होता है या फिल्मों के लिए होता है, तो वो कहाँ से मतलब ले सकता है, अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह हो जैसे कॉस्ट्यूम की होती है या किसी चीज़ की हो। नहीं पर्टिकुलर जगह तो है नहीं, लेकिन काफी जगह मिलती है, लाजपत नगर में है अपना और सदर बाजार है, सदर बाजार में तो बहुत सदर अच्छे बाजार खासे तो मिल मेन जाएंगे है। आपको मेकअप के सामान, अच्छे रेट पे भी मिल जाएंगे और कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता उनसे। अच्छा हम अच्छा यूज करते हैं, हमें पता है, बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, तो सब अच्छा मिलता है सामान वहाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार कि नहीं ये तो सस्ता माल है, इससे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे। हम किसी पे मेकअप करने से पहले हम अपने ऊपर ट्राई करके देखते हैं, ताकि दूसरों को नुकसान ना हो, सही पहले बात है, हम अपने ऊपर ट्राई करते हैं, उसके बाद दूसरों के स्किन पे हम ट्राई करते हैं। सही बात है। तो दोस्तों आपने देखा कि अमित आर्या ने अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मेकअप करते हैं लोगों, किस तरह से लोगों को अपना मेकअप करना चाहिए और किस तरह से उन्होंने बताया कि क्या डिफरेंस है थिएटर के मेकअप में और फिल्म मीडिया के मेकअप में। और आप भी मतलब दोस्तों इस सीरीज़ का लाने का मकसद इतना है कि आप जो हैं जो इन्फॉर्मेशन जो भी थिएटर से रिलेटेड या फिल्मों से रिलेटेड होती है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो, उनकी छोटी छोटी सीरीज़ आपके साथ शेयर करें, उन एक्सपीरियंस को हमारे दोस्त जो लोग लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों को उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब उन विजिटर से जो पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं, और बेल आइकन बिल्कुल का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी लेटेस्ट इस सीरीज़ से या कोई भी अन्य टॉपिक हम लेकर आएंगे आपके लिए, वो आप आसानी से अपडेट देख सकते हैं।